अस्सलाम वालेकुम। देखिए जब भी हमारे घर वाले सब्जी मंगाते हैं तो हम सब्जी लेने जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें जो सब्जी मंगाई जाती है वो हम नहीं ला पाते, फिर घर आके गाली खाते हैं कि एक सब्जी मंगाई गई वो भी ला नहीं पाए। लेकिन क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो मोहल्ले में एक ही दुकानदार होता है वो बेचारा कितनी सब्जी रखेगा, लेकिन उसका इलाज होता है। लगभग हर इलाके में लखनऊ के अंदर एक ऐसी मंडी लगती है जहां पर आप जाएंगे तो जिस सब्जी का नाम नहीं सुना है वो सब्जी भी आप ले आएंगे। ये सब्जी देखिए मंडी दो तरह की होती है, एक तो मंडी वो होती है जहां पर दुकानदार खुद जा करके सामान लाते हैं और बेचते हैं, और एक मंडी उस तरह की होती है कि सिर्फ मोहल्ले के लोग जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लाते हैं। तो इस तरह की मंडियां लगती हैं। ये मंडियां हफ्ते में भी लगती हैं, लेकिन कुछ मंडी ऐसी भी है जो रोज लगती है। तो इसी तरह की आज हम आपको एक मंडी दिखाएंगे जो कि लखनऊ में त्रिवेणी नगर में 60 फीटा पर लगती है। तो फिर अब हम यहीं पर रोकते हैं अपनी बातों की गंदगी, तो चलिए आपको चलकर दिखा देते हैं सब्जी मंडी। तो चलिए मेरे साथ। ये है शांति वाटिका, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर नाला पार करके। ये हम खदरे के अंदर से आए हुए हैं इसलिए यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो इसमें ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में आप बने रहें तो हम आपको बता देंगे कि आखिर ये 60 फीटा पड़ता कहाँ पर है, जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। वैसे हम मगरिब के बाद आए हुए हैं क्योंकि जो मंडी लगती है वो शाम के वक्त लगती है। अगर आप दोपहर में आएंगे तो नॉर्मल जो दुकान होती है वो खुली रहती है, पर मंडी जो लगती है वो शाम के वक्त लगती है। तो शाम के वक्त अब हम आए हुए हैं यहाँ पर। लोग आते हैं, हफ्ते भर की सब्जियाँ खरीद कर ले जाते हैं, कुछ अपने रोज़ आ करके भी ले जाते हैं, और आसपास के इलाकों से भी आते हैं। सिर्फ त्रिवेणी नगर ही नहीं, हो सकता और भी दूर से जो आसपास का इलाका होता है वहाँ से भी आते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ज़रूरत की सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, पर ऐसी मंडी में आ करके आपको वो सब्जी मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। तो अब हम शाम के वक्त आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं 60 फीटा के अंदर सब्जी मंडी। तो अब हम बराबर आ चुके हैं 60 फीटा मंडी के अंदर। तो अब चलिए आपको हम मंडी के अंदर का नज़ारा करीब से दिखाते हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस तरह से। ये शाम के वक्त ही यहाँ पर ऐसा रहता है, जो आप आएंगे तो अक्सर मगरिब के बाद, तो इस तरह का माहौल है। आप देखें कितनी भीड़ है तगड़ी, और यहाँ पर हर तरह के सामान मिल रहे हैं। सब्जी के अलावा देखिए यहाँ पर राशन की दुकान भी है, तो राशन वगैरह भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि दुकान तो है ही है ना। बाकी मंडी शाम में लगती है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और बाकी यहाँ पर चाट वगैरह की भी दुकानें, तो लोग क्योंकि जाहिर सी बात है शॉपिंग करने आ रहे तो कुछ खाने पीने की दुकानें तो रहेंगी। देखिए ये रोड हम सीधे चलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ से हम पीछे से पूरा आ रहे हैं और यहाँ से अब हम पूरा सीधे चलेंगे बंधे के ऊपर, और जिस बंधे के ऊपर हम चलेंगे उसका हम वीडियो पहले ही आपको बनाकर दिखा चुके हैं। पुरनिया से लेकर के पक्के पुल तक वो बंधा जाता है और उसका वीडियो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। तो उस बंधे के ऊपर चलेंगे और फिर उस बंधे से अब हम जब राइट मुड़ेंगे तो पुरनिया की तरफ पहुंचेंगे, और लेफ्ट मुड़े तो पक्के पुल की तरफ। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप ये आखिर 60 फीटा पड़ती कहाँ पर है। और आगे पुरनिया के पास अलीगंज है, और इधर पता ही है कि बंधे अगर लेफ्ट मुड़ गए, बंधे से चले गए तो फिर पक्का पुल आता है, तो अब हम उधर ही चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब्जी मिल रही है, और अब हमारा जो मकसद है वो है बंधे के ऊपर चलना। और ऐसा नहीं है कि 60 फीटा सिर्फ मंडी के लिए जानी जाती है, 60 फीटा त्रिवेणी नगर के अंदर वैसे भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो 60 फीटा क्योंकि ये रोड 60 फीट चौड़ी है तो ये वैसे भी मशहूर है। अगर आप कभी आए, आपका आना हो त्रिवेणी नगर में, तो आपको 60 फीटा अक्सर सुनने को मिलेगा कि 60 फीटा कहाँ पर है, तो यही है वो 60 फीटा। और इस यहाँ पर कई सारी दुकानें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मिठाई वगैरह की भी दुकानें मिलती हैं, और
पेंट वगैरह बहुत कुछ कई सारे सामान यहाँ पर मिलते हैं। एक बाज़ार है जिसको कह सकते हैं, छोटी जो बाज़ार टाइप की होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी ही मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक फेमस है साठपिटा शिवड़ी नगर में। तो फिलहाल अब हम बंदे के ऊपर जिसकी हमने बात की बंदे पर आ चुके, लेकिन यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएँ तो पहुँच जाएंगे पक्के पुल की तरफ। फिलहाल हमें राइट चलना है और ये राइट हम सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे पुरनिया। और देखिए यहाँ से सीधा जाएंगे नीचे अगर उतर गए तो फैजुल्लागंज। और यहाँ पर देखिए कुछ मछली और मुर्गे भी मिल रहे हैं। तो एक बंदे से हम चढ़ कर के आए और डायरेक्ट अगर सीधे उतर गए तो फैजुल्लागंज और एक पूरी बस्ती बसी हुई है आगे, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। और यहाँ पर देखिए मछली मिल रही है, मुर्गे मिल रहे हैं। तो इतना मछली की भी दुकानें लगी हुई हैं, तो हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। दुकान ऐसे ही छोटी लगी हुई है मछली की, क्योंकि कुछ लोगों को सब्जी के अलावा मछलियाँ भी खानी होती है, मुर्गा भी खाना होता है, तो इसलिए छोटी नॉर्मल दुकान लगी हुई है। तो यहाँ पर मछली भी बिक रही है, मछली की ऐसे ही छोटी सी दुकान लगी हुई है ताकि इलाके के लोग आके मछली खरीद सकें। तो यहाँ मछली मिल रही है। फिलहाल हमें अब चलना है बंधा, ये हम चल चुके हैं बंधा चढ़ के, अब हम इधर चलेंगे पुरनिया की तरफ। तो अब हम सीधे चल रहे हैं पुरनिया की तरफ, यानी ये रोड सीधा आप चले जाएंगे पुरनिया के पास, सीतापुर रोड पर जाकर मिलेगी। वो हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये साठ फीटा पड़ता कहाँ है। और जिधर हम चल रहे हैं अगर आप हमारे उल्टे साइड पर सीधे चले जाएंगे तो पक्का पुल आता है, तो पक्का पुल की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको दिख जाएगा। और इस बंदे के दोनों तरफ बस्तियाँ बसी हुई हैं, जहाँ पर हम सीधे ये चल रहे हैं बंदे का मेरे राइट हैंड साइड पर आप जो बस्ती बसी है वो पूरा त्रिवेणी नगर का इलाका है। और इधर जिधर से हम चल रहे हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आप उतर जाएंगे तो पूरा फैजुल्लागंज और आगे का केशव नगर का ही सारी बस्तियां आगे बसी हुई हैं। तो फिलहाल हम इस बंधे के ऊपर चलकर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये बंधा भी काफ़ी बिजी है और इसके आसपास भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ बस चुकी हैं और आबादी अच्छी खासी हो चुकी है अब। तो फिलहाल हम चलते चलते सीतापुर रोड पुरनिया के पास तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें हमारा एक और चैनल है एजाज की बात, जिस पर कि कॉमेडी वीडियो आते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जितने भी वीडियो हमने आपको बताए हैं, जैसे कि हमने बताया कि बंधे का वीडियो हम पहले आपको बता चुके हैं, तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इस बंधे से गुजरती हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियाँ गुजर रही हैं। देख सकते हैं कहने को तो ये बंधा है, लेकिन बंधे में भी आप देखें कितना ज़्यादा चालू है ये बंधा, क्योंकि ये पूरा आता है पक्के पुल से। और आप देखें भीड़ कितनी ज़्यादा है, ऐसा लग ही रहा है ये बंधा जैसे लग रहा है कि एक मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। और आप देखिए जैसे जैसे हम रोड के करीब पहुंच रहे हैं, आप अगर देखेंगे इस इलाके को गौर से, तो यहाँ पर अब आप देखें काफ़ी ज़्यादा दुकानें आपको मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो वो भी आपको, और बाकी जो दुकानें ज़रूरत का सामान मिलता है वो तो दुकानें है ही हैं। तो जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं रोड की तरफ, आप देखें एक से एक यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि पुरनिया भी खुद में काफ़ी फेमस है। पुरनिया जो इलाका है पुरनिया का, आप हो सकता हो कई बार आप ढूंढने निकले पुरनिया, क्योंकि पुरनिया के पास आप क्रॉस करेंगे पुरनिया चौराहा तो आगे आप मड़ियाँ पहुंचेंगे। पुरनिया के पास से अगर आप सीधे चले जाएं तो अलीगंज का इलाका भी कवर करते हो। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे हम कवर यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। तो पुरनिया का इलाका भी हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया, और इसके अलावा हमने आपको साठ फीटा तो आज दिखाया ही। और पुरनिया का इलाका जो हमने अलीगंज में दिखाया था, अलीगंज का इलाका जो अलीगंज से होते हुए सीधा डंडैया हम गए थे, वो इलाका भी हमने आपको दिखाया था दिन के वक्त, उसका भी वीडियो, उस वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो फिलहाल हम रात के वक्त आए हुए हैं, क्योंकि रात के वक्त हम यहाँ कभी नहीं आए थे, वीडियो नहीं बनाया था। तो आज हम फिलहाल आ गए साठ फीटा दिखाने, और आपको साठ फीटा पड़ता कहाँ है, तो इसी बहाने हमने आपको यहाँ पर आकर पुरनिया भी दिखा दिया। हालांकि इसको पुरनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि पुरनिया चौराहा इस, जैसे ये आप जाएंगे रोड पर फिर इससे लेफ्ट मुड़ेंगे, आगे पुरनिया चौराहा है, पर उसके पास का ये इलाका आप कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे रोड करीब आ रही है तो दुकानें भी आप देख सकते हैं, रौनक भी, और आगे आप ये सीतापुर रोड आ चुकी है, यहाँ से लेफ्ट पुरनिया और राइट सीधे चले जाएंगे तो फिर आप पक्का पुल पहुँच जाएंगे। तो अब हम फिलहाल आ चुके हैं सीतापुर रोड की तरफ, तो यहीं पर अपने वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज़।